गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में अपन ने पाठ 14 पर्यायवाची शब्द पढ़े थे। आई होप आपने भी उनको पुनः उसका अध्ययन किया होगा। आज अपन पाठ 14 के प्रश्न उत्तर करेंगे, ओके ना। तो आपको ये प्रश्न उत्तर अपनी व्याकरण वाली नोटबुक में गुड हैंड राइटिंग में राइट करने हैं और साथ ही में आपको इसको लर्न भी करने हैं। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? तो उत्तर है, समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। किसे कहते हैं समानार्थी शब्द? समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है मेरा, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला देखिए आँख। अब आँख के दो पर्यायवाची बताने हैं आपको, तो आँख के दो पर्यायवाची नेत्र नयन, क्या होगा? नेत्र नयन। ख कपड़ा, कपड़ा के दो पर्यायवाची होंगे चीर वस्त्र, क्या बोलेंगे? चीर वस्त्र। फिर है घोड़ा। अब घोड़े के दो पर्यायवाची अश्व तुरंग, अश्व तुरंग। फिर है बादल। बादल के दो पर्यायवाची मेघ घन, क्या होंगे? मेघ घन। अब है धरती। धरती के दो पर्यायवाची है पृथ्वी वसुधा। तो आँख के दो पर्यायवाची नेत्र नयन, कपड़ा के दो पर्यायवाची चीर वस्त्र, घोड़ा के दो पर्यायवाची अश्व तुरंग, बादल के दो पर्यायवाची मेघ घन, धरती के दो पर्यायवाची पृथ्वी वसुधा। अब है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द पर घेरा लगाइए। यहाँ आपको शब्द दे रखा है आकाश। अब इसके यहाँ पर्यायवाची शब्द बताना है कि इनमें तीनों में से कौन सा पर्यायवाची शब्द इसका है। तब आकाश, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसमें मगन है, गगन है या सदन है? तो क्या है? गगन। तो अपन ने किस पे गोला बनाया? गगन पे। फिर है पानी। अब पानी का पर्यायवाची जल है, नल है या फल है? तो क्या है? जल। तो अपन किस पे गोला बनाएंगे? जल पे। फिर है बेटा। बेटा का पर्यायवाची चित्र पुत्र नयन। तो अब इन तीनों में से कौन सा है बेटा का पर्यायवाची? पुत्र है। तो अपन किस पे गोला बनाएंगे? पुत्र पे। फिर है बंदर। बंदर का पर्यायवाची कपि, कवि या रवि? तो क्या है बंदर का पर्यायवाची? कपि। तो अपन किस पे गोला बनाएंगे? कपि पे। फिर है धरती। समुद्र, बादल या पृथ्वी? क्या होता है धरती का पर्यायवाची? समुद्र होता है, बादल होता है या पृथ्वी होता है? तो पृथ्वी होता है। तो अपन ने किस पे गोला बनाया? पृथ्वी पे। तो ये देखिए, फर्स्ट में अपन ने गगन पे गोला बनाया, सेकंड में जल पे, थर्ड में पुत्र पे, फोर्थ में कपि पे और फिफ्थ में पृथ्वी पे। तो आज आपको इन तीनों प्रश्नों को अपनी व्याकरण की नोटबुक में गुड हैंड राइटिंग में राइट करना है और साथ ही में लर्न करना है। नेक्स्ट वीडियो में अपन नया चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।